हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैदा की नमकीन। तो मैदा की नमकीन देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी, एकदम से क्रिस्पी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा। 3 चम्मच आप मैदा डाल लें, आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उसी हिसाब से अपनी मैदा डालना है। तो मैं यहाँ 3 चम्मच ही मैदा ले रही हूँ। 3 चम्मच मैदा में 1 चम्मच में मैं डालूंगी फॉर्चून तेल, 1 चम्मच लूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप हाथों में लेकर के अच्छे से मसल करके डालें और इसमें जो डंडी होती है वो निकाल दें, इसीलिए हाथों से इसको मसल करके आप डालें। 1/2 चम्मच डालूंगी अजवाइन। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। 2 चम्मच डालेंगे रवा, रवा आप जरूर डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम टाइट आटा गूंदेंगे, तो पानी आप एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें टाइट आटा गूंदना है। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालें। अच्छे से हाथों से मसल करके आटा को तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको मसल लिया है। नमकीन का डो हमारा बन करके तैयार है। तो आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ऐसे ही इसको टाइट रखें। तो देखिए फ्रेंड, हमारा तैयार हो गया है आटा। तो अब हम इसकी बनाएंगे नमकीन। छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे मैदा की, एकदम छोटी छोटी सी आप लोइयां बना लें। सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लें। अब हम कांटे वाली चम्मच लेंगे, लोई को उसके ऊपर रखें जैसे मैंने रखा है, और रखकर हल्के हाथों से इसको दबा करके पूरी पे कर लें और इसको फोल्ड कर लें धीमे से। तो देखिए फ्रेंड, कितनी बढ़िया हमारी एकदम से बन गई है। ऐसे ही हम दूसरी भी बनाएंगे। आपको लेना है, इसके ऊपर रखना है, हल्का सा उसको दबा करके फैलाना है और फोल्ड कर लेना है। ऐसे ही हम अपनी साड़ी बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने साड़ी बना करके तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारे एकदम से डिजाइनदार नमकीन बनकर के तैयार है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। चलिए फ्रेंड, इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे गर्म होने के लिए। तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। थोड़ी सी मैदा डाल के देख लें आप, तेल गर्म हो गया है। तो देखिए मैंने डाल के देख लिया है, मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें अपनी नमकीन डाल के सुनहरा होने तक तलेंगे। चलिए फ्रेंड, डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। लगातार आपको हिलाते रहना है, बंद मत करिएगा। गैस को आप धीमा ही रखें, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाएंगे। तेज गैस पे इनको फ्राई ना करें। धीमी गैस पे ही इनको अच्छे से फ्राई करें। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको फ्राई होने में, तो धीमे धीमे आप हिलाते रहें और इनको फ्राई कर लें। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कलर आ गया है हमारे नमकीन पर, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो अब हम इनको निकाल लेंगे अच्छे से। आप इसका तेल निचोड़ लें, निचोड़ करके निकाल लें इनको। तो देखिए फ्रेंड, कितनी बढ़िया नमकीन हमारी बन करके एकदम तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बच्चों को बहुत पसंद है ये नमकीन। तो देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म नमकीन हमारी बन करके तैयार है, कितनी खस्ता है एकदम से। आप इसे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब भी नहीं होती है जल्दी। तो
तो देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है एकदम से। देखिए कितनी बढ़िया है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।